मैं एक नई फाइल लेता हूँ और यहाँ से हम लेते हैं ट्रिपल फाइव टाइमर। मैं ट्रिपल फाइव टाइमर लिखता हूँ, यहाँ पर ये ट्रिपल फाइव टाइमर दे रखा है। तो इसको हम यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। तो प्लेस करने के बाद में हम सबसे पहले देखो ट्रिपल फाइव टाइमर आईसी का क्या काम होता है। ट्रिपल फाइव टाइमर आईसी जो है, इससे टाइमर के नाम से ही हमको समझ में आ रहा है ये कहीं ना कहीं टाइम से रिलेटेड है, मतलब टाइम से रिलेटेड इसके अंदर टास्क होगा। तो ये क्या करती है, मैं देखो यहाँ पर एक पहले कुछ कर कनेक्ट कर पाऊंगा, यहाँ लिख देता हूँ ये रजिस्टर और ये पॉइंट सिक्स, और यहाँ पर मैं रजिस्टर लेता हूँ, फिर बताता हूँ कि ये क्या, और एक एलईडी और ले लेता हूँ। हमने एलईडी ली और इसे लेट्स सपोज कनेक्ट, ऐसा मैं मूव कर लेता हूँ तक, कनेक्शन कर दे और ये एलईडी को कर देता हूँ मैं ग्राउंड। ग्राउंड में हम देखेंगे यहाँ कि ये जो ना क्यू या पिन नंबर थ्री जो होती है ट्रिपल फाइव टाइमर आईसी की, वो होती है आउटपुट, आउटपुट पिन होती है। जिस तरह से 7805 आईसी के अंदर हमने उसकी आउटपुट पिन पर 5 वोल्ट आता है ना, वैसे ही किसी भी आईसी की आउटपुट पिन पर कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने कंपेरेटर आईसी जब पढ़ी थी LM358, तो उस आईसी के भी 1 नंबर पिन पर आउटपुट आ रहा था, है ना। तो जब भी हम कंपेयर करते थे वोल्टेज, तो कभी 1 आता था या कभी 0 आता था, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी 1 या 0 आएगा जब हम इसकी दूसरी पिन्स में चेंजेस करेंगे, लेकिन 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 उस उसके जो टाइमिंग है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसकी जो टाइमिंग है 1 और 0 आने की, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि वहां पर ऐसा होता था कि अगर मान लीजिए एक बार कोई भी वोल्टेज एक दूसरे की कंपैरिजन में ज्यादा हुआ है ना, जैसे प्लस माइनस की कंपैरिजन में ज्यादा हुआ, तो आउटपुट में हाई आ जाएगा, पर हाई हमेशा रहेगा जब तक कि वो ज्यादा है, और जैसे ही प्लस माइनस की कंपैरिजन में कम हुआ तो लो रहेगा, है ना। तो वहां पर वो हमेशा ही रहेगा जब तक कि वो कम है। यहाँ पर ऐसा है कि अगर मान लीजिए हमको कोई आउटपुट चाहिए, तो वो आउटपुट कितनी देर तक के लिए हाई रहेगा, कितनी देर तक के लिए लो रहेगा, ये हम डिसाइड कर सकते हैं, है ना। और इससे क्या फायदा होगा कि मान लीजिए कोई कोई भी एलईडी अगर हम एग्जांपल में ले, उसको अगर आप टाइमिंग से कम ज्यादा कर रहे हो, तो एक तरह से आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई मीनिंगफुल सर्किट उससे ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपने ऐसे ही बोला कि देखिए ये एक सर्किट है, इसकी एलईडी जो है वो 10 सेकंड के लिए ऑन होगी और 10 सेकंड के लिए ऑफ होगी, और ये कंटिन्यू ऐसा काम करेगी, है ना। तो हाँ, तो वहां पर एक जो है कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स आ चुका है, और उसको अगर हम थोड़ा से बड़े रूप में देखें, तो अगर हम ऐसा कर पाए जैसे कि मान लो हैंड सैनिटाइजर का एग्जांपल ले, तो जैसे ही मान लीजिए हम सैनिटाइजर मशीन के आगे हाथ लेकर जाते हैं, तो मोटर थोड़ी देर के लिए चालू हो जाए और फिर बंद हो जाए, अच्छा, है ना। तो उसका ना चालू बंद होने का टाइम अगर हम सेट कर पाएंगे तो हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा, ऐसा। तो ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, मतलब टाइमिंग से रिलेटेड। और जनरली ट्रिपल फाइव टाइमर आईसी का यूज बहुत सारी जगह होता है, मतलब बहुत सारे सर्किट इससे बन सकते हैं। क्लैप वाला सर्किट आप इससे बना सकते हो ना, जैसे कि आपने क्लैप जो है दब प्रेस करी ना, और कोई मोटर ऑन हो जाए, एलईडी ऑन हो जाए, कोई टास्क कुछ भी जो है हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक तरह से क्लैप वाला सर्किट कहेंगे। और ट्रिपल फाइव टाइमर ऐसे 3 मोड के अंदर काम करती है, एक होता है अनस्टेबल मोड,
अनस्टेबल मूड, अस्टेबल मूड, मतलब ये आईसी जो है वो तीन टाइप से काम कर सकती है, तो वो तीनों टाइप हमको सीखना चाहिए और उसके थ्रू हम नए नए कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस आईसी को एक बार चला के देखते हैं और फिर थोड़ी सी और वर्किंग और डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसकी पिन नंबर 3 जो होती है वो आउटपुट होती है और इसकी पिन नंबर 8 जो होती है वो 5 वोल्ट होती है और 1 जो होती है वो ग्राउंड होती है। तो हम सबसे पहले ये इसका ग्राउंड भी कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर। ये ग्राउंड हमने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हम यहाँ से पावर ले लेते हैं, पावर हम कनेक्ट कर देते हैं। वैसे तो इसका मैक्सिमम वोल्टेज 15 वोल्ट तक होता है, मतलब हम यहाँ पर जो है यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 5 वोल्ट भी दे सकते हैं और 15 वोल्ट भी दे सकते हैं। बहुत बार जब छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वहां पर 9 वोल्ट की बैटरी होती है यूजर के पास में, तो वो 9 वोल्ट की बैटरी ही डायरेक्ट लगा देता है ना, क्योंकि जनरली 5 वोल्ट ऐसे मिलता नहीं है कहीं पर भी। मोस्टली 9 वोल्ट की बैटरी बहुत सस्ती और इजीली अवेलेबल होती है। अगर हमको 5 वोल्ट चाहिए तो हम फिर 7805 IC लगाएंगे तो थोड़ा सा खर्चा और बढ़ जाएगा, इसलिए आप चाहे तो 9 वोल्ट भी दे सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हम 5 वोल्ट यहाँ पर देते हैं। अब हम क्या करते हैं उसके बाद में, यहाँ पर अगर इसकी पिन्स के बारे में हम देखें और जो बाकी ये टोटल 8 पिन्स होती है इसमें, तो 3 के बारे में हमने देखा कि 1 ग्राउंड के लिए रहती है, 8 जो है VCC के लिए रहती है, 3 से हमें आउटपुट मिलता है, ठीक और बाकी पिन्स का क्या है? तो देखो पिन नंबर 2 इसके अंदर क्या होती है, ट्रिगर पिन होती है। 2 नंबर पिन को हम ट्रिगर पिन बोलते हैं, ठीक है। और ट्रिगर पिन से के नाम से ही पता चल रहा है कि सेट करता है। जब भी उसके ऊपर कोई इनपुट वोल्टेज आएगा तो वो आउटपुट के अंदर कोई ना कोई चेंज करेगा। हमने बोला कि यार उसने ट्रिगर कर दिया है ना, तो कुछ ना कुछ चेंज होगा उसकी कंपैरिजन में, या हमने बेल बजा दी तो आगे कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो यहाँ पर जो भी चीजें होगी उसकी वजह से 3 नंबर पे जो वोल्टेज है उसके अंदर चेंजेस आएंगे। ऐसा हो सकता है कि अगर हमने 2 नंबर पे एक स्विच लगा दिया और उसको हम प्रेस कर रहे हैं तो 3 पर जो है वो हाई सिग्नल कंटिन्यू आ गया है ना, या फिर से प्रेस कर दिया तो लो सिग्नल कंटिन्यू आ गया, ऐसा कुछ हो सकता है उसके अंदर, या और भी अलग अलग तरह से ट्रिगर को यूज किया जा सकता है। पिन नंबर इसके अंदर जो होती है 5 जो होती है वो होता है इसका एक वोल्टेज की पिन होती है ये, और इसका जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है ना। 5 नंबर, सर फाइव ना। हाँ 5 5 को हम इसमें खाली छोड़ दे सकते हैं, लेकिन फिर भी ये जो है जो इसकी पिन नंबर 8 और 1 के बीच में जो वोल्टेज होता है उसको यदि हमको स्टेबलाइज करना है तो उसके लिए पिन नंबर 5 का यूज किया जाता है। तो कभी कभी है ना, तो हम यहाँ पे जनरली क्या होता है, यहाँ पर एक मतलब यहाँ पे 0.1 माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर लगाया जाता है ताकि वोल्टेज जो सप्लाई है वो स्टेबल हो सके, और बहुत बार थोड़े से माइनर चेंजेस रहते हैं। तो 5 का यूज हम इसमें ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन हम फिर भी ये कहेंगे कि ये वोल्टेज को सही करने के लिए यूज करते हैं हम। पिन नंबर 4 इसके अंदर होती है रिस्टार्ट पिन होती है ना। रिस्टार्ट पिन इसके अंदर ऐसा रहता है कि अगर इस पे हाई सिग्नल आपने दे दिया तो ये हमेशा जो है रिसेट मोड में ही रहेगी। अगर इस पे आपने हाई सिग्नल दे दिया तो हमेशा रिसेट मोड में ही रहेगी, आपको अलग से इसको बंद करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इस पर हाई सिग्नल नहीं देते हैं और इस पर अगर हम ग्राउंड देते हैं तो इसका आउटपुट जो है वो रिसेट हो सकता है, मतलब फिर से उसी पोजीशन पे आ सकता है। 2 नंबर से तो क्या होगा, आउटपुट के अंदर कुछ ना कुछ चेंज होगा, पर 4 नंबर से क्या होगा कि आउटपुट जो है वो फिर से सेम पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसलिए 4 का भी इसमें कोई खास यूज नहीं है, लेकिन हाँ इसके अंदर 2 7 और 6 इन दोनों पिन का ज्यादा यूज रहता है। तो 2 वाली पिन को जनरली कनेक्ट किया जाता है 6 के साथ में, ऐसे वाली पिन को जनरली 6 के साथ में कनेक्ट किया जाता है। तो मैं 2 को अभी ऐसे एक बार 6 के साथ कनेक्ट करता हूँ, और अगर हम देखें तो
पीएच 6 नंबर पिन जो होती है इसके अंदर थ्रेशोल्ड पिन होती है, और 7 नंबर वाली जो पिन होती है वो डिस्चार्ज पिन होती है। तो एटलीस्ट हमको क्या होना चाहिए कि इसके पिन आउट का नाम पता होना चाहिए, और डिस्चार्ज है ना और थ्रेशोल्ड ये क्या काम करती है थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। लेकिन ये आईसी क्या है कि अलग अलग मोड में काम करती है, तो उन मोड के अकॉर्डिंग हम इन पिन का वर्किंग को समझ सकते हैं थ्योरेटिकली। लेकिन थ्योरी से बेटर है कि इसके दो तीन जो भी सर्किट होते हैं उनको बनाओ और फिर समझो कि क्या हो रहा है, तो उससे हम थोड़ा सा ज्यादा अंदाजा लगा सकते हैं। अदरवाइज इसके अंदर टेक्निकल टर्म में बहुत सारी चीजें समझाई होती है। तो हम अभी यहाँ पर हमने क्या करा, 2 और 6 को काउंट कर कनेक्ट कर दिया, और हम यहाँ से एक रजिस्टर लेते हैं, यहाँ से एक रजिस्टर लेते हैं, और इस रजिस्टर को देखिए मैं यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, और कनेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ पर इसको भी 10 के कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ लिख दिया 10, और इसको 10 करने के बाद में मैंने यहाँ पे कनेक्ट, इसको हम चाहे तो थोड़ा सा रोटेट भी कर सकते हैं, रोटेट करके ऊपर भी कर सकते हैं। और ऊपर वाली पिन पर हमको 5 वोल्ट देना रहता है, तो अभी मैं डायरेक्टली 5 वोल्ट यहीं से ले लेता हूँ ताकि हमें सर्किट थोड़ा थोड़ा समझ में आए। और इसको हम यहाँ कर देते हैं +5। क्या करती है? सेवन हाँ, वाली पिन क्या करती है? ये जो है 7 वाली पिन जो है, इस जैसे इसका नाम है डिस्चार्ज पिन है ना, तो क्या होता है यहाँ पर है ना, अभी एक रजिस्टर और हम लगाएंगे और एक कैपेसिटर लगाएंगे, तो उस कैपेसिटर को ये डिस्चार्ज करने में हेल्प करती है। हाँ, और ये थ्रेशोल्ड वो वोल्टेज लेवल होता है जहां तक पहुंचकर उसको चार्जिंग और डिस्चार्ज किया जाता है। तो देखो अभी हम यहाँ पर एक जो है सबसे पहले एक रजिस्टर और लेंगे, मैं जो है यहाँ से एक रजिस्टर और ले, इसको मैं रोटेट कर देता हूँ, और रोटेट नहीं देखिए इसको ऐसे कर दे, यहाँ पर हमने हम 10 के कर देते हैं इसको भी, और उसके बाद में यहाँ एक 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर ले, यहाँ जाके तो मैंने यहाँ पे 10 कैपेसिटर, कैपेसिटर चलते हैं, और यहाँ पे जा इसको एक बार हटा कैपेसिटर को क्लिक, कैपेसिटर के बाद में यहाँ पर हम एल्यूमिनियम लैपटॉप को लाइक कैपेसिटर पे क्लिक करते हैं, यहाँ से हम देखते हैं कि 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर हाँ मिलेगा, ऐसे 1000 कुछ भी ले सकते हैं, और मैं इसका आगे यूज बताऊंगा। यहाँ पर 3 वोल्ट, मैं अभी यहाँ से ले लेता हूँ, ये जो है
हम कहीं पे भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे से लेंगे इसके ऊपर रन करते हैं। ए चैनल पर हमको यहाँ पे देखो आप यहाँ पे हाई लो सिग्नल मिल रहा है, ठीक है। अब हाई लो सिग्नल मिल रहा है, पर हमको अभी ये पता नहीं कि कितने वोल्ट का है। तो है ना, अगर देखो यहाँ पर ये जो साइकिल्स आ रही है ना, इसको अगर हम एडजस्ट करेंगे येलो वाली को, तो देखो हमको पता चलेगा कि क्या होगा यहाँ। मैं यहाँ पर ये अगर येलो वाली साइकिल को क्या करना है मुझे, ज्यादा कर रहे हैं, तो देखो मैं यहाँ से देखता हूँ ये ज्यादा कैसे होगा। ये कुछ पल्स टाइप दिख रहा है हमको यहाँ पर। ये पल्स हमको मिल तो गई है यहाँ पर इतनी सही नहीं है, मतलब जगह हम यहाँ पे करते हैं 100 और इसको करते हैं, फिर इसको करते हैं। तो ये देखो आप यहाँ पर ये जो है वो एलईडी जो है वो ब्लिंक करने लग गई यहाँ पे, और अभी देखो ये भी थोड़ी सी आपको सही मिलने लग गई है। ये वोल्ट के डिवीजन जो है वो थोड़े से देखने होंगे कि हमने कितने करते हैं।
ये देखो ये थोड़ा सा भी पल्स सही दिख रही है हल्की सी, ये एक तो इसकी पल्स हो गई। हम हमेशा ऐसा करते हैं ना कि एक पल्स का ड्यूरेशन कितना है, मतलब यहाँ से अगर यहाँ तक के पल्स का ड्यूरेशन हम देखना चाहें तो उस पल्स का ड्यूरेशन कितना है। तो अगर हम अभी इसके पल्स को ड्यूरेशन को हम स्टार्ट करते हैं, एक पल्स का ड्यूरेशन कितना होता है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगा। तो अब देखो इसके अंदर आप कि इसका जो है ना ऑन टाइम ज्यादा है, ये जो है इसका, ये देखो इसका ये ऑन टाइम ज्यादा है और ये इसका ऑफ टाइम है। तो अगर आप यहाँ से काउंट करोगे यहाँ तक तो ये इस पूरी पल्स का ड्यूरेशन है ना, और 139। हाँ है ना, ये पूरा इतना एक पल्स का ड्यूरेशन है, मतलब यहाँ से लेकर ये एक एक पल्स का ड्यूरेशन है। और अगर आप जो है सिर्फ इतना देखोगे तो ये इसके ऑन का टाइमिंग है, ये सिर्फ इसके ऑन का टाइमिंग है। तो इसका जो ऑन का टाइमिंग है आप यहाँ पे देख लो कि ऑफ बहुत कम टाइम के लिए हो रहा है ना, ऑफ बहुत कम टाइम के लिए हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं और हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ जाकर हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं पोर्ट, और पोर्ट लिखने के बाद में हम नीचे जाते हैं, ये पोर्ट HG को ले लेते हैं, यहाँ से इसको कर देते हैं हम ओके। और इस पोर्ट को हम लगा देते हैं कुछ ऐसे, और यहाँ पे ये जो सर्किट है इसको कर देते हैं हम डिलीट, इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ। एडजस्ट हो जाएगा। हाँ तो यहाँ पे अपन उसको चेंज करके देख सकते हैं, कम ज्यादा करके देख सकते हैं। तो अभी क्योंकि ये तो माइनस है तो हम इसको इधर लगा देते हैं, और अब हम इसको एक बार चेंज करके देखते हैं। अभी थोड़ा सा चेंज मिल रहा है, पहले से मतलब चेंज मिल रहा है, फिर भी जो है देखो आप यहाँ देखो आप इसको ऑन टाइम बहुत ज्यादा हो गया है और ऑफ टाइम बहुत कम है। अभी तो लोअर पल्स जो होती है मतलब है ना जो नीचे वाली जो रहती है इसको हम वही मानते हैं, तो मैं जो है इसको एक बार यहाँ पे मूव करता हूँ। तो देखो चेंजेस हो रहे हैं है ना, और अगर इधर करता हूँ तो देखो क्या चेंज, और अगर देखो पूरा ही खत्म कर दूंगा तो ऑन टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, विच इज करेक्ट है ना। ऑन टाइम बंद हो जाएगा। हाँ ऑफ टाइम बंद हो जाएगा। अब थोड़ा बहुत इससे जो है वेरी हुआ तो इतना होता है ना, इतना हो रहा है। तो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, स्टॉप करने के बाद में यहाँ चलते हैं और यहाँ पे आके राइट क्लिक करते हैं डायरेक्ट। देखो यहाँ 1K है ना, मैं इसको अभी 10K करता हूँ, 1 by 1 चल के देख, थोड़ा सा चेंजेस आए है ना। अब हम इसको थोड़ा सा पॉज कर दो, ऐसा हुआ अभी, मतलब फिर भी इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम इसको जो है ले जाते हैं और 100 के कर, इसका क्या होता है, इसके पूरे बिहाफ से ये तीनों सर्किट से अगर इसको आप तीनों को देखोगे आप ध्यान से, तो यहाँ पर जो है 2 रजिस्टर है जो कि पोटेंशियल डिवाइडर क्रिएट कर रहे हैं और कैपेसिटर है, तो इसको RC सर्किट बोलते हैं। और ये RC सर्किट क्या करता है, यहाँ पर ये RC सर्किट यहाँ पर जो है, ये RC सर्किट यहाँ पर जो है वो इसकी देखो अभी देखो अभी वो मैक्सिमम पर है, इसलिए ऑन ऑफ टाइमिंग भी चेंजेस हो चुका है। हाँ फिर भी ऑफ टाइम कम है, अगर LED हम उल्टा लगा देंगे तो ऑन टाइम ज्यादा हो जाएगा, मतलब रिवर्स कंडीशन में चलेगा।
हाँ अब ये भी हो गया ना सर सिग्नल जब वो ऑन होता है तो एक मतलब बताएं जो इस तरह से हम ऑसिलोस्कोप से थोड़े से जो पल्सेस का ड्यूरेशन है या वेवफॉर्म है उसको भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये सर्किट आप एक बार बना के देखना,